तो गुड आफ्टरनून लवली पीपल, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारी क्लास वैसे नहीं थी, पर आज सैटरडे है और आज वेडनेसडे टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, तो हमारी एक क्लास है। ठीक है, तो एक क्लास करने आए हैं हाइड्रोलॉजी की, करेंगे भाई, देखते हैं। हम लोग आज APJ में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास। और गाइज, कैसा लगा आपको हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स वाला स्पेशल वीडियो। चलो भाई चलते हैं अब, ठीक है, क्लास करते हैं, क्लास के बाद मिलते हैं यार। गाइस, क्लास इज डन और अब हम जा रहे हैं क्राइम इंटर्नशिप पे, ठीक है, क्राइम इंटर्नशिप है आज हमारी। तो विलेज में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने, तो हमारे दोस्त मिस्टर जा रहे भाई। हम आए गांव में, ठीक है, रुड़की में ही, थोड़ा विलेज एरिया है, तो यहीं के बच्चों को हम लोग मेंटरशिप देते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ें रहती है वो हम लोग बताते हैं, ठीक है, बच्चों को। और हमारे साथ खेलोगे, ठीक है, पढ़ना भी हमारे साथ फिर। पब्लिक पीपल, वी आर फ्री फ्रॉम मेंटरशिप और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कॉलेज की तरफ। बाय देवांश। तो लवली पीपल, तो हम लोग मेंटरशिप पे गए थे। मेंटरशिप पे क्या होता है कि हम लोग किराए IIT रुड़की से है ना, ठीक है, किराए एक क्लब है, ठीक है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है IIT रुड़की की, तो चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। तो उस पर क्या करते हैं हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो विलेज एरिया के, हम उन्हें लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं और लाइक जो भी जितनी दे सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जितना भी हम लोग अपनी तरह से लाइक एक ट्यूशन टाइप का पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं लेते। और हम लोग आते हैं रोज़ चलता है, टीम्स बनी है, मेरा सैटरडे का है, तो मैंने आज मैथ्स पढ़ाई बच्चों को, काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस, तो चलो चलते हैं कॉलेज के अंदर। गुड मॉर्निंग लवली पीपल, हमारे साथ है हमारा आर्यन भाई। तो भाई अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा है, ठीक है, और कब कब था बर्थडे तुम्हारा? 17 जैन की पार्टी आप दे रहे हैं? 19 दी तो है, दो दिन चलता है। खैर, हमारे साथ एक मित्र हैं हमारे, उनका बर्थडे 13 नवंबर को था और उन्होंने अभी तक पार्टी नहीं दी है। Downs are froze. She wanna fuck, dominoes. Taking it down, dominoes. That kick it out, adios. Stacking the bread, lock the door. Hold the wrist up. Don't know where to switch though. Got my bands up. Think I need a branch, sure we keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switched spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me, cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip, got rolled up, 32 G's.
Hold up, now I'm talking shit. Zombie walk to the whip. Every night get lit. Me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing. Bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told a thotty, bring a thing, 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 thing. Whole squad need chains and rings. Loud smoke, some Asian things. Yeah, rip it open and I run in the neem. It's copping on it, even if I don't need it. Bands on me, left the cash is beast. सो हेलो लवली पीपल, वी आर इन फूड बे और यहाँ पर देख लो भाई एम्बियंस चेकआउट करो, कितना ही ज़्यादा सुंदर एम्बियंस है यहाँ का, ठीक है। और अभी हम लोग लाइक यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बार भी है, ऊपर वाला साइड बार है ठीक है, और नीचे वाला साइड खाने पीने का है। लाइक एम्बियंस लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। और भाई देखो ऊपर बढ़िया फूल पत्ते लगे हैं, बढ़िया है ना। बाकी यहाँ से नीचे का भी सीन है, देख लो पूरा शॉट है भाई। Keen real friends, you don't know the meaning. Get on a bag, go do the math, split it up until it's even. I spaz on a beef for no reason, tripping out, walking on water like Jesus. Let him know it's no season. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been balling since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me, cause she know I get guap. I hit the jackpot, you a mascot. बाकी भाई आप बाहर भी बैठ सकते हो ठीक है, सिटिंग बाहर भी है। एम्बियंस वाकई कहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। कम हंग्री बी हैप्पी, वाओ। यहाँ पे आग जल रही है ठीक है। तो गाइस एम्बियंस तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है फूड पे का, और ये अभी रुड़की में नया खुला है, खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एम्बियंस है मजाक सेट के, और कहना पड़ेगा। खैर हम लोग ने खा तो लिया है, आर्यन भाई की हमारे बर्थडे पार्टी थी तो काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक्स अलॉट आर्यन, वेलकम भाई, क्या हाल है? और था बर्थडे पार्टी, और तुम आगे बढ़िया ऐसे बढ़िया तरक्की करो, और जिससे हम लोग को और अच्छी अच्छी पार्टी मिल सके, है ना। तू भी करें, हम तो कर ही रहे हैं। गाइस अब हो चुका है हम लोगों का खाना पीना, अब यहाँ से चलते हैं सीधे अपने IIT कैंपस के तरफ। ये कैंपस के बाहर है अभी, और ये जस्ट हमारे जो आपने देसी तड़का देखा होगा उसके जस्ट बगल में खुला है। चलते हैं भाई। तो नॉर्थ ऐसे क्यों जाएं भाई अपने अपने पास जब टेलीपोर्टेड। गो गो गाइस, ये गो गो है और ये हमारे कैंपस का बहुत क्यूट डॉगी है। गो कैसे हो, जाओ खेलो अपने कैप्टन के साथ। तू कुछ डिप देना चाहेगी बच्चों को, जेई वालों बच्चों को? जेई वालों बच्चों के लिए ट्रिप तो वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट कि लाइक हमें स्टार्टिंग में लगता है कि यार नहीं होगा क्लियर, मतलब वो सबके अंदर ही वो सेल्फ डाउट होता है कि यार हम कम मेहनत कर रहे हैं पर हमारे NTA में स्कोर नहीं आ रहे होते, फिर लगता है कि यार वो सारा जो हार्डवर्क है वो वेस्ट हो जाएगा। पर नहीं, एट लास्ट आफ्टर गिविंग जे एडवांस तो ये तो आप मत सोचो कि यार नहीं हो रहा, अच्छा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बट स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर कंसिस्टेंट, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जा कर के वो हार्डवर्क का जो होता है ना कि सक्सेस, वो जो आपको जो फल मिलना होता है वो मिल ही जाता है। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि यार पेशेंस के साथ ही बिना सेल्फ डाउट के मेहनत करो बस, एंड थोड़ा प्रेशर कम लो क्योंकि अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं, एंड आई नो 12th के साथ जेई देना इज़ लाइक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग, तो उसका थोड़ा प्रेशर कम लेके एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर गिविंग देयर जेई फर्स्ट अटेम्प्ट,
एंड होप यू ऑल सक्सीड एंड स्कोर द हाईएस्ट परसेंटाइल एंड गेट द बेस्ट कॉलेज एंड योर ड्रीम कॉलेज वट एवर यू वॉन्ट। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखो यार क्या होता है ना कि मान लो आप में से कुछ लोग रहते हैं जिनको मतलब उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता, वो लोग 100% देते हैं अपना सब कुछ करते हैं फिर भी नहीं मिलता, तो भाई एक बार सोचो कि हो सकता तुम चाह रहे हो इतना, भगवान तुम्हारे लिए लेके रखे हो इतना, अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो नहीं मिल पाया पर भगवान तुम्हें ये देना चाहते हो, तो ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी कभी होता है कि हो सकता तुम्हें ये चीज़ अचीव नहीं हो पाई पर तुम्हारे लिए वो वेट कर रहे, इसलिए कभी रुको नहीं। जेई तुम्हारा कॉलेज देने के लिए नहीं होता एग्ज़ाम, जेई होता है तुम लाइफ में जो आगे मेहनत करोगे उस मेहनत की आदत डालता है। भाई तुम जेई निकाल के मान लो आईआईटी बॉम्बे सीएससी में पहुंच भी जाओ फिर तुम कहोगे भाई मेरा तो लाइफ सेट है, मेरा तो सब हो जाएगा और सब, तुम ऐसे बैठ जाओ मेहनत करना छोड़ दो, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बेरोजगार रह जाओगे। ये चीज़ होती है आफ्टर तो दिक्कत होगी। आईआईटी का मतलब आईआईटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बात जेई जर्नी की होती है। जो जेई जर्नी में तुम जो मेहनत करना सीखते हो ना वो मेहनत तुम्हें लाइफ टाइम फॉलो करनी है तब जाके सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई उसके बाद तो लाइफ चिल है, चिल इसलिए रहती है क्योंकि तुम मेहनत करना सीख जाते हो। भाई एक बार बंदा इंसान मेहनत करना सीख जाए ना तो उसके लिए फिर कुछ बड़ा बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए ज़्यादा निराश मत हुआ करो अगर आप में से कुछ लोग अच्छे कॉलेज में नहीं हो। भाई तुम किसी भी कॉलेज में जाओ डजेंट मैटर, तुम अगर चाहोगे ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, सच में लिटरली तुम किसी भी कॉलेज से। एक क्या पता तुम आईआईटीएन बनना चाहते हो पर भगवान चाहते हो 10 आईआईटीएन तुम्हारे अंदर काम करें, समझे। तो एक चीज़ होती है कि बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, जस्ट प्राउड ऑन योर सेल्फ कि तुम जो कर रहे हो तुमने मेहनत करी तुमने अपना 100% दिया, जस्ट भूल जाओ फिर, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं आगे देखेंगे कुछ और बड़ा करेंगे, समझे। ऐसा ये चीज़ मेंटेलिटी रखा करो, यू विल नेवर मतलब फेस एनी प्रॉब्लम्स, एनी होगा एनजाइटी, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, जस्ट बी पॉजिटिव, जो मिल रहा है भगवान से वो लेते जाओ और ब्लेस्ड रहो जो भी कर रहे हो। बाकी यार गिव योर 100%, बस मैं इतना कहूँगा। जेई के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइज। और हमारे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं आओ भाई आईआईटी रुड़की में आओ, हम लोग से मिलना बहुत जल्दी, ठीक है। जो भी आप लोग आज को मेहनत कर रहे हो करते रहो भाई, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। मैंने धीरज को लाइक सेकेंड सेम नहीं फर्स्ट सेम से देखा है, उसका वो स्टेज भी देखा है जहाँ पर उसने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, बहुत रात रात भर घूमा है एग्जाम के एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा है और तब भी नंबर नहीं आए, तब भी नंबर नहीं आए हैं एंड ठीक है। और धीरज का मैंने ये भी स्टेज देखा है जहाँ पे आज वो लाइक 8 to 10 hours एंड मैक्सिमम उसका अपने इस करियर में दे रहा है, तो वो जो चेंज होता है ना कि लाइक फ्रॉम डूइंग नथिंग टू डूइंग द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू, ठीक है, वो आई हैव सीन इन धीरज, ठीक है। तो आई थिंक ही इफ आफ्टर बीइंग इन आईआईटी ही इज डूइंग एवरीथिंग, मतलब जो भी इसके सपने हैं जो भी इसके ड्रीम्स हैं वो ये सब पूरे करने के लिए लाइक मेहनत कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग हिज 100%, मतलब जितना ये टाइम देता है एडिट में, जितना ये टाइम देता है वीडियोस बनाने में, सोता नहीं है रात रात भर, ठीक है क्लासेस पूरी क्लासेस करता है, तो ये जो चेंज बच्चों के रिप्लाई भी करने होते हैं यार, आप लोगों के सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, खुद देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं एंड इज लाइक, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई भी करता है, तो वो जो एक चेंज आया है ना इसके अंदर वो इतना, मतलब क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा प्यारा है या इतना ज़्यादा इज लाइक इसके फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा इसेंशियल है ना वो, कि अब उसने वो चीज़ जो उसका हार्डवर्क है ना जो वो कर रहा है ना वो उसने सीख लिया है आफ्टर गिविंग जेई। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th करके आते हो फिर रहता है यार अभी तो मेहनत करके आई है एक साल तो मज़े मार लेते हैं, तो उस मज़े मारने में ना निकल जाता है टाइम, निकल जाता है सबके साथ है, मेरे साथ भी यही है। हाँ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मैं आपको बताऊँ, मतलब या तो मैं करता हूँ या तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ, नहीं करता तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। सो मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि आईआईटी में होने के बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब शायद से वो अभी मेहनत ना दिख रही हो बट एटलीस्ट आफ्टर 4 years दिखे, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपने तो अभी तक यू शुड डू द मैक्सिमम ऑफ इट, लाइक
अभी ठीक है अटेम्प्ट आ रहा है, नॉट टेकिंग प्रेशर, बट एटलीस्ट तुम्हें एकदम फ्री भी नहीं होना है कि यार ठीक है यार यही तो है कर लेंगे, नहीं नहीं होना भाई, नहीं होता, बहुत बहुत प्रेशर होता। साक्षी ने मुझे 2 सब्सक्राइबर से लेके देखा है, ठीक है, और उसने देखा है कि मतलब जब व्यूज आते ही नहीं थे, मतलब दो मतलब बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बना दी मेरी हरिद्वार वाली वीडियो, आप के बाद चेक करना उस पर करीब एक महीने बाद भी उस पर सिर्फ 150 व्यूज थे, मैंने उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट दिया था ना, मैं जानता हूँ, आप देख लेना, मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगा तो आप देख लेना, तो उसमें मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट दी थी फिर भी उस पर नहीं चली, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं रुक गया, मैंने फिर भी करता रहा और भी मैंने वीडियो बनाई, हर मैं चकराता भी गया था सोलो ट्रिप पे, वो भी वीडियो व्लॉग बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट मैंने टली है ट्रैवल की, और मतलब काफ़ी जो स्ट्रेट लाइन जो रहती है ना जब वो यूट्यूब के ग्राफ की, मैंने उस टाइम पे इतना एफर्ट दिया और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट इसका मतलब ये नहीं मैं रुका, मैं करता गया और कहीं ना कहीं चैनल एक अपने उस पर आया एक ट्विस्ट पर, और फिर जब मतलब आया तो फिर काफ़ी अच्छा रहा क्या है ना। और यार देखो बात क्या है ना, हम आप ये मत सोचो लाइक हम लोग बहुत टाइम से हम लोग को, लेकिन अभी सिर्फ 2 मंथ्स एंड 10 डेज हुए हैं कुछ, ठीक है, चालू करें यूट्यूब, तो विदाउट एनी सपोर्ट हमारे पास, मतलब सपोर्ट है ऐसी बात नहीं है, हमारे आदित्य यादव भाई वो बहुत अच्छा सपोर्ट किया, थैंक्स अलॉट आदित्य भाई, और भी कुछ लोग हैं जो हमारे काफ़ी मतलब अंदर से भी सपोर्ट करते हैं, मतलब बैक ऑफ द स्टेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, तो वही सपोर्ट ही रहता है यार, और लगे हैं भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं बढ़िया, बाकी तो यार आप सबका सपोर्ट है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी करो, देखो यार IIT में आने के बाद ऐसा नहीं है तो हमारी लाइफ चल हो जाएगी, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, IIT में आने के बाद भी तुम्हारी मेहनत क्या पता डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है, तो करना पड़ता है भाई, तुम लोग क्या बात करते हो ना कंसिस्टेंट रहने की, भाई 7 घंटे सिर्फ यूट्यूब के लिए 70 दिन से दे रहा हूँ, आ जाओ कंसिस्टेंट हो जाओ साथ में, लग रहा हो कंसिस्टेंट हो जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम्हारे आज का क्या गोल है, मतलब आज का क्या है तुम्हारा टारगेट है, करो रोज करो, मैं रोज वीडियो डालता हूँ 12 बजे आ जाती है, तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।